सतगुर राख लिए छड़ाए अज संध्या दे ए दीवान और रैन सभाई सतगुरु गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी हजूर दे आगमन गुरपुरब नू मनाउंदे हुए हजूर नू समर्पित है। सन्मान योग भाई साहब भाई दविंदर सिंह जी खालसा जथे समेत गुरबाणी कीर्तन और गुरमत विचार आप जी नाल सांझी कर रहे सन। दास ने सोभा भी मंजी साहब बेनती कीती सी पंथ रतन सन्मान योग भाई साहब भाई जसबीर सिंह जी खालसा जिन्हां नूं गुरु रामदास ने त्रुट के करनी प्रदान जीवन दी दात बख्शी जो मालक ने उन्हां दे हिरदे विच उन्हां दी झोली विच पाया अंतले सवास तक भाई साहब ने उस दात नूं संगतां विच वंडिया। सन्मान योग भाई साहब हर साल हजूर दे इस पुरब ते हाजरी भरदे सन। उन्हां तों बाद सन्मान योग भाई साहब भाई दविंदर सिंह जी भाई साहब जी अमृत वेले दी सिमरन दी नाम दी अभ्यासी जीवन दी करनी कमाणी वाले जीवन दी व्याख्या कर रहे सन। आओ आप जितने हजूर दे चरणा विच इत्थे उपस्थित हो आशीष बख्शो। सन्मान योग सिंह साहब ज्ञानी गुरबचन सिंह जी ओ भी आप संगत विच हाजरी भर रहे ने। आप देशां विदेशां तो दूर नोड़ियों गुरु रामदास दी आशीष लैण वास्ते आए करो कृपा गुरु बख्शी फतेह। सन्मान योग भाई साहब जी ने अमृत वेले ते और नाम अमृत अभ्यास उपर जोर दिता है। सतगुरु गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज उन्होंने अपनी पवित्र रसना तो जपजी साहब जी जी जो अमृत बाणी उचारण कीती है उस बाणी दी चौथी पौड़ी दे विच पहली पौड़ी दियां अखीरलियां तुकां दी व्याख्या है। पिछले साल दास ने कर्ज कीती सी कि असल च पहली पौड़ी तो लैके चौथी पौड़ी तक एक ही प्रकरण चलदा है। पहली पौड़ी दे विच अंतलियां तुकां ने सतगुरां दियां किव सचियारा होई है किव कूड़ा टुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। पर इत्थे सतगुरु दस भी गए सवाल भी कीता प्रश्न भी कीता किव सचियारा होई है किव शब्द पुरातन है
क्यों शब्द जेड़ा नवीन पंजाबी दा है उदो ये शब्द विकसित हो रहे सन जिवें आप पाठ कर दे किव कर आखां किव सा लाही क्यों वरनी किव जाना हुण किव शब्द नहीं असी वरदे केव जेव तेव एव ये बाणी च पुरातन बोले जांदे सन इत्थे सतगुरु बचन कर रहे ने किव सचियारा होई है किव कूड़ा तुट्टै पाल अगे फरमायो ने हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल दास ने बेनती कीती सी के हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल इस तुक ने सानू अगली पौड़ी विच व्याख्या बख्श दित्ती हुक्म दा वरतारा की आप सब नू पता है अगले बचन ने के हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वड्याई हुक्मी उत्तम नीच ए सारी पौड़ी विच सतगुरु हुक्म दी गल करदे आ अंत कहंदे आ हुक्म है अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोए नानक हुक्म है जे बुझे ता होमे कह ना कोए फिर बेनती पहली पौड़ी सी के हुक्म रजाई चलना ते अगली पौड़ी दी समाप्ति कीती नानक हुक्म है जे बुझे ता होमे कह ना कोए उस तों बाद असी तीसरी पौड़ी दा पाठ करने उस विच सतगुरु ने हुक्म बुझन हारिया ने उस पार ब्रह्म दा किवें शुकर कीता उस सारी पौड़ी विच सतगुरु ने उन्हां गावण हारिया दा जिक्र कीता गावै को तान होवै किसै तान गावै को दात जाणै नीशान गावै को गुण वडियाईयां चार गावै को विद्या विख विचार जदों इह पौड़ी पढ़ के असी इहदे अंत आउने आ ते फिर गल दोबारा फिर हुक्म दी सतगुरु कर दे फिर बेनती सुने पहला कह हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल दूसरी पौड़ी दी संपन्नता है कि नानक हुक्म है जे बुझै ता होमै कह ना कोई तीसरी पौड़ी विच दाता जी कहिंदे ने बचन करदे आ कथना कथी ना आवे तोट कत कत कथी कोटी कोट कोट देंदा दे लेंदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राह फिर शब्द हुक्म आ गया देखो इको प्रकरण चल रहे फिर बेनती हुक्मी पर इत्थे थोड़ा जा हुक्मी दे अर्थ बदल गए उंज पहला भी आया हुक्मी शब्द हुक्म रूप भी है पर इत्थे हुक्मी दा अर्थ है जेड़ा हुक्म कर रहा है फिर बेनती हुक्मी हुक्म चलाए राह ओ हुक्मी जेड़ा अपना हुक्म चला रहा है नानक विगसै वे परवाह इत्थे मैं आपनू एक बेनती करा इच कोई शक नहीं कि गुरु ग्रंथ साहब दी व्याख्या सिंह साहब बैठिया ए इमोशनल कर ली अज तक बहुत बहुत कमाइयां वाले होए सच ए वे के मुकम्मल गुरु ग्रंथ साहब दे अर्थ कोई भी नहीं कर सकया टीके हैं साडे कोल असीं फोन चो कढ़ लांगे पर जिस अवस्था नूं गुरु जी आवाज दे के कहिंदे आ नहीं बस इस तों अगे ना बोल अगे बोलन दा विशा है ही नहीं हुण जिहड़ा ना बोलन दा विशा है सुणियो अबोल है इहदा मतलब लफ्ज़ कोई नहीं पर जीवन है इहदा मतलब इह नहीं कि जे अबोल ते है ही नहीं जेड़ा बोलिया नहीं जा सकता एदा मतलब ओदे लई शब्दावली कोई नहीं जे शब्दावली नहीं ते एदा मतलब ए नहीं कि ओ जीवन भी नहीं इसे करके गुरु जी ने पंजवी पौड़ी च कहा हजूर ने फरमाया कि जे खौ जाना आखा नाही क्यों कहना कथन ना जाई जान लांगा पर कथिया नहीं जा सकता हुण जानना मानना ते उन्हूं बोलना जमीन समान दा फर्क जे को जाना आखा नाही कहना कथन न जाई ते महाराज कहंदे आ गुरा इक देह बुझाई सबना जियां का इक दाता सो मैं विसर न जाई थोड़ा जा बिनती नु सुनियो हुक्मी हुक्म चलाए राह उंज हुक्म दा पारावार अज तक कोई नहीं पा सकिया सतगुरु ते इशारा करके आए महाराज ने शब्द वरतिया के हुक्म क्या नहीं जा सकदा हुक्मी खोवन आकार हुक्म ना कहा जाए ना कहा जाए हुक्म है की फिर मैं बेनती करा मैं भी कहन लगा पर इस कहने नू भी अंत नहीं समझना जो गुरबाणी से दिंदी हुक्म की है
ਹੁਕਮੀ ਦੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਬੀ ਦਾ ਵਰਤਿਆ ਜੀ ਹੁਕਮ, ਇਹ ਅਰਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹੁਕਮ। ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਫੁਰਮਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਾਂਗੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਹ ਕੰਮ ਫਲਾਂ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ, ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪ ਉਹ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪ ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਕਮ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁਕਮ, ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਚੱਲੀ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੁਕਮੀ ਦੇ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ। ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਲਹਿਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਚਲਾ ਵੀ ਜਾਏ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਕਮ ਚੱਲੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਦੈਵੀ ਹੁਕਮ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੁਕਮ ਵਰਤੇਗਾ ਉੱਥੇ ਹੁਕਮੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮੀ ਤੇ ਹੁਕਮ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਕਮ ਵਰਤੇਗਾ ਉੱਥੇ ਹੁਕਮੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਵੀ ਓਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਓਨੀ ਰੱਖਦਾ, ਮਾਣ ਤੇ ਅਪਮਾਨ ਵੀ ਓਨੀ ਰੱਖਦਾ, ਚੰਗਾ ਤੇ ਮੰਦਾ ਵੀ ਓਨਾ ਰੱਖਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਾਏਗਾ, ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਏ, ਮੰਦਾ ਵਰਤਾਏ, ਅਪਮਾਨ ਕਰਾਏ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ, ਉਸਤਤ ਕਰਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤੇਗਾ ਤੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੁਕਮੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ। ਉਂਝ ਉਸ ਦੈਵੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਬਾਤ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਅਭਿਆਸੀ ਸੱਜਣ ਕਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਆਕਾਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਫੋਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਅਫੁਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ, ਸੁਣ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਅਫੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਫੁਰ ਕਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਫੁਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਫੁਰ ਹੋ ਕੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਫੁਰਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅੱਗੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਹੋਇਆ, ਖਿਆਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਭੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨੇ ਮਾਨਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਮਰਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਪੁਲਿੰਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਰਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੂਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੂਜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਨਾ ਪੂਜਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਲੀ ਇਹ ਪਲੈਨਟ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੇਵਲ ਦਿਸ ਦੇ ਹੋਏ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੰਗਲ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ, ਫਲਾਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਹਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਲੱਭਣਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀਵਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦਿਸੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਹੁਕਮ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ, ਉਹ ਨਾਮ, ਉਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਦਾ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪਾਪ ਰੱਬ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਪੁੰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ,
उंज सच्चाई है वे सिंह साहब बैठे आ खेड रची है खेड विच हारन वाले भी उतरने ने खेड विच जितन वाले भी उतरने ने जिदन खेड उजड़गी ना हारन वाला रहना ना जितन वाला रहना ये खेड है किते हरनाक्ष पैदा करदा है ते ओनू समझाण लई घर प्रहलाद पैदा कर दिंदा है जे मतरई मां धक्के मार दिए ध्रुव नाल खलोता है जे गुरु रामदास दे दर ते गुरु अर्जुन देव वर्गा आज्ञाकारी बेटा कहे ते चेते रखियो पृथ्वी चंद अंदर भी खून ता गुरु रामदास दी है ना पर आपां इहनू द्वेष च नहीं लेना ओदी खेड है ओदा वर्तारा करो आपां अगे चलीए इस विषय तो हुक्म नू भी कोई मुकम्मल बयान नहीं कर सकदा हुक्म फिर उस तो अगे जदों असीं सतगुरु की चौथी पौड़ी पढ़ने उहदे विच फिर गुरु नानक साहब ने सानू समझाया जो सिंह साहब कह रहे सन क्योंकि गुरु रामदास जी की बाणी तीह रागां विच है सतगुरां ने बड़ी बख्शिश की साडियां लावां भी तां उहनां दी दित्ती हुई दात है ना ते पूरे गुरु ग्रंथ साहब विच लावां शब्द इत्थे आया होर किते आया है फेरे शब्द आया है भावर शब्द आया है पर लाम शब्द जिहड़ा है उह सिर्फ सतगुरु गुरु रामदास जी ने सोई राग दे शंतां विच ही वरत्या उंज सिख शब्द गुरु नानक साहब जी ने भी वरत्या सिखी सिख्या गुर विचार धन गुरु अमरदास वेले बड़ा शब्द प्रचलित होया आवो सिख सतगुरु के प्यारे गावो सच्ची बाणी पर गुरु रामदास महाराज जी ने मैं अर्ज करना उन्हां सिख दे रूहानी जीवन दी रूहानी जीवन उंज इहदे च कोई किरत दा जिक्र नहीं कीता तू आ काम करी आ करी उस श्लोक विच केवल रूहानी जीवन कहे सब तो पहला सिख दे रूहानी जीवन की तरतीब अनुसार जे रहत मर्यादा लिखी तो धन गुरु रामदास जी ने लिखी कि सिख ने की करना है फिर उस विषय ते मैं आ रहा कि हुण जदों असीं चौथी पौड़ी ते पहुंचने हजूर दी ते उस चौथी पौड़ी विच इहनू हुक्म समझ लो गुरु साहिब जी का सुझाव समझ लो ते इहनू इउं समझ लो कि जिहड़ा सवाल पहली पौड़ी विच है किव सचियारा होई है किव कूड़ा टुट्टै पाल उस सवाल का उत्तर जिहड़ा है वह चौथी पौड़ी विच है हुक्म रजाई चलना तो है हुण चौथी पौड़ी है साचा साहिब साच नाए मेरा वाहिगुरु सच्चा है मालिक उहदा नाम ना भी सच्चा उहदा नाम भी सच्चा है फिर इस बेनती नूं आप सच्चा उहदा नाम भी सच्चा क्योंकि यह भी बड़ी रमज भरी बात है साडे शरीर ने असीं बैठे हां वजूद ने यह सच है ना जी एक बार अर्ज कीती सी गुरबाणी मुताबक एक सच होवे जिहड़ा इखलाक नाल जुड़दा है यह बंदा सच्चा सुच्चा है एक शब्द कहे जिहड़ा सच बदली जांदा है एक सच होवे जिहड़ा अबदल है जिहड़ा नहीं बदलदा तीन तरह पर यह नहीं कहांगे भी सच हुंदा ते एक ही एक सच कहे जिहड़ा इखलाक जिहनूं असीं कहिंदे यह बंदा सच बोलदा है यह धर्म की किरत करदा है किसी का बुरा नहीं सोचता निंदिया चुगली नहीं करता यह सच है दूजे पासे एक सच जिहड़ा वरतदा पर बदली जा रहा है वह सच जिवें मैं उदाहरण देना हुण असीं बैठे हाँ इत्थे सतगुरु की हजूरी च असमान ते खनेरा है ना रात पै गई यह सच पर पिछा बैक जाओ जदों दिन के चार बजे सन उदों सच नहीं सी बदल गया ना उदो यह सच नहीं सी उदो हनेरा नहीं सी उदो चानन सी उदो जे कोई कहिंदा बाहर देखो हनेरा लोकां कहना सी झूठा बंदा बाहर तां चानन यह बदल रहा है बारह घंटे बाद दस घंटे बाद इन्हें भी बदल जाना आ जिहड़ा वजूद साडा सच प्रतीत हो रहा है चानन ते हनेरे की तरह दिन ते रात की तरह यह सच भी बदलना पिया यह बदलदी पिया ना गुरु साहब जी ने इहनू बाणी विच इस बदलदी हुई सारे वरतारे नूं कहा मर्ज की खलाकी सच एक अदृष्टमान दा बदलदा सच एक ओ सच जिहड़ा अबदल है जिहड़ा कदी नहीं बदलदा उत्थे तो बाबा जी ने जप शुरू किया आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच ओनू साहब ने कहा सच पुराना होवे ना ही सीता कदे ना पाटे ओ अबदल कह उन्हें नहीं बदलना यही कारण
कि अज तारकिक मन वह काला पै जाता है। ये पुरानिया गल्लां कर दे नाम सिमरन ये पुरानिया बातां ने बहुत अगे साइंस निकल गई। जिवें अज तो मैं तुसी सारे गुरमुखो पढ़ियो मैं तो इन्ना पढ़िया नहीं। मैं तो इको बेनती करांगा कि गुरु ग्रंथ साहब की बाणी नू सिद्ध करन लई किसे विज्ञानी दे फार्मूलिया की मोर ना लाओ। धर्म का अपना अध्यात्मिकता का अपना राग है। जे असी असी साइंस नू खंडन नहीं कर रहे क्योंकि असी सारे ओदियां सहूलतां नू मानने पैण, पर जिहड़ी अध्यात्मिकता है जिहड़ा सच गुरु नानक साहब वेले सी ओह अज भी है, ते जिहड़ा सच कदों कुछ भी नहीं सी बनिया जिहड़ा आदि सच उदो सी ओह सच अज भी है। गुरु ग्रंथ साहब विच ओह अबदल सच जिहड़ा है ओह रहिंदी दुनिया तक रहेगा, ओहनू कोई भी इंसान बदल नहीं सकेगा। ओह सच मैं आप नू बेनती कर लगा एक ओह आप सच ते ओहदा नाम भी सच्चा, नाम ते नामी हुक्म ते हुक्मी ये दोनों एक ही चीज ने। जिथे हुक्म वरतेगा उथे हुक्मी वरतेगा प्यारे, जिथे नाम वरतेगा उथे नामी वरतेगा। बंदा नहीं इस तरह हो सकता। मेरा तुहाडा नां है, मेरे तुहाडे नां नूं जिन्ने मर्जी लोग बाहर बोली जान वो ठीक है, थोड़ा बहुत थोड़ा नां लैके कुछ महसूस करनगे पर असीं मौजूद थोड़ा वा। पर वाहिगुरु जी ऐसे ने वो अनेक हो के भी जिथे जिथे नाम जपया जाता उत्थे आप वरतदे। हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग वेद उपाए, हर सिमरन पै सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चों कुंट जाते, हर सिमरन धारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन की ओ सगल अकारा, हर सिमरन में आवे। ये साच नायक है, वो आप सच है, ओदा नाम सच है। बंदे दा नाम सच नहीं, इत्थे आया गया मुया नाउ, बंदा आया जमया ना मर गया। इत्थे सतगुरु कहिंदे ने भाई सजना आ सिमरन करके हर सिमरन में आप निरंकारा, नामे अंदर खौ वसा, नाम दे विच परमात्मा आ वसदा। हजूर ने कहा वो आप सच, क्योंकि जो मेरे कलना च भाई साहब दे शब्द पै मैं उही लै लै अमृत वेला। ते बहुत जरूरी है प्यारे हुण, ये साड़ी मुश्किल आ गई है क्योंकि अपनी सहूलत नूं मैं उठ नहीं सकदा 8 बजे तक, नहीं उठ सकदा, मेरी गलती है। पर बाबा जी दोष क्यों मरना पिया कि अमृत वेला हुंदा ही नहीं, गलती तेरी है, तेरे तो निकम्मिया उठा नहीं जाता, गुरु साहब उत्ते दोष लाई जाना, ये ना करिए, नहीं उठा जाता। मैं बेनती करा उंज तो गुरु साहब सवेरे में क्या जदों गुरु मन नूं बख्शिश करदा उदों मन बीमार शरीर नूं भी खड़िया करके कहिंदा अमृत वेले उठ। ते प्यारिओ जदों मन बेईमान होवे अरोग शरीर भी सुता रहिंदा। इत्थे सतगुरु ने फिर शब्द वरत्या साचा साहिब साच नाए। अगला बचन जी उहदे नाल गल्लां किवें करिए, पाख्या पाओ अपार, पाख्या उसकी भाषा ओदी बोली, भाव का अर्थ है प्रेम, अपार दा अर्थ जिदा पारावार ने। उसकी बोली भाव है प्रेम है, ठीक है असी लफ्ज प्रेम लई बड़े वरतने पतित पावन कृपा निदान, पर गुरमुखो भावना जदों प्रबल हुंदी है उदों शब्द मर जांदे आ, उदों जां अथरू बन के टपकदे आ ते जां चुप धारण कर जांदे आ। उत्थे इसे करके आ देखो जिहड़ा हुण बचन आपां सवेर दा सुणने पिया, धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया, पूरी कोई करामात आप सिरजन खारै धारिया, सिखी अतै संगति पार ब्रह्म कर नमस्कारिया, अटल अथा अतोल तू तेरा अंत ना पारावारिया। ये तो सारे बचन गुरु रामदास की सिफत ना। हुण अगे क्या जो कहिंदे भी फलाना दरबार साहब गया फलाना गया, मैं पिछले दिन भी अर्ज की है प्यारियो इस घर लई सीने विचों कदी अशरदा नहीं पैदा होंदे। बस एक बेनती है इस दियां परकरमा विच झाड़ू लाने वाले पोचे लाने वाले इहदे भांडे मांजन वाले इत्थे परकरमा च बैठियां पता नहीं किन्नियां कुरुआं किस अवस्था विच खेड़दियां ने, वो दृष्टमान ने
जदों बैठने अदृष्ट पता नहीं किन्नी कु दैवी रूहां दीआं असीसां मिलदीआं। इत्थे भी सतगुरु ने गल क्लीयर कर दित्ती, कहिंदे ने फिर सुणो कि तन तन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया, पूरी कोई करामात आप सिरजन खारै धारिया, सिक्खी अतै संगती पार ब्रह्म कर नमस्कारिया, अटल अथा अतोल तू तेरा अंत ना पारा वारिया। अगे एक शर्त है, सारे आओ जी सदके मत्था टेको, एक शर्त है जिन्नी तू सेविया, आ शर्त है। जे मेरी भावने कोई नहीं, मैं इत्थे फोटो खिंची जाना, इत्थे खिंची जाना, खलोता सी जाना। मैं पहले दिन भी कहा सी गुरमुखो इस जगह ते अपनी मन दी जगह बना जाइए, आप जी जिथे मर्जी चले जाओ, प्रदेश चले जाओ, कुछ दिन इस दी परिक्रमा च बैठ के शब्द सुरत दा नाम दा अभ्यास कर जाओ। प्यारियो तुसी घर बैठे भी सिमरन करदे आ, जदों सुरत नाल चेते करोगे इथों दा औरा साडी सुरत नूं उत्थे भी मिलेगा। महाराज सचे इह तजरबा आप जी करके देखियो, सुरत नाल परिक्रमा हुंदी। जे सुरत नाल बंदा पाठ करदे आ दो घंटे हट्टी ते सौदा विच ही जांदा है, ते सुरत नाल हरिमंदर साहिब दी परिक्रमा नहीं कर सकदा। सुरत नाल इशनान करदा है, सुरत नाल पाठ करदा है, सुरत नाल दीदार करदा है। हजूर सच्चे पातशाह कहिंदे जिन्नी तू सेविया भाओ कर, जिन्ने भावना नाल तेनू सेविया ते जिन्ना भावना नाल सेविया उहनां नूं पुछ के देखो गुरु रामदास की। जिन्ना भावना सेविया उहनां रब तों थले गल ही नहीं कीती। मैं वैसे शब्द पहला सिंह साहिब भाई जेठा वरतदा सां, अज भी कई वारी, पर पता नहीं मन ने कहा ये नहीं कि सब ते मैं लागू करा। मन ने कहा जेठा शब्द पूरे गुरु ग्रंथ साहिब च किते नहीं आया, लहना आया है। हां जी लहने दी फेर आई है, नानका दो ही खटी है, भट्टा ने किते जेठा नहीं वरत्या पूरे गुरु ग्रंथ साहिब च। नानक तू लहना तू है, लहना अंगद दोनों शब्द आया, पर भाई गुरदास ने किते नहीं वरत्या। ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਲਹਿਣੇ ਪਾਈ ਨਾਨਕੋ ਦੇਣੀ ਅਮਰਦਾਸ ਕਰ ਆਈ, ਲਹਿਣਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਦੋ ਨਾਮ ਵਰਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਨਾਮ, ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜੇਠਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਉੱਠ ਪਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਜੇਠਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਪਓ ਤੇ ਪੁਰਬ ਉਦੋਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਜੇ ਬਣੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਮਦਾਸ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਠੋਸਣਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜੇ ਜੇਠਾ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਭਾਓ ਕਰ, ਸੇਤ ਉਤਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭਾਵਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿੰਨੀ ਭਾਵਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕੋਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਚੌ ਜੁਗੀ ਆਪ ਆਪੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਭਾਮੀ ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਭਾਓ ਕਰ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਹ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੂੰ ਉੱਚੀ ਭਾਵਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਭਾਮੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਹ ਦਾ ਨਾਮ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਭਾਮੀ ਕੌਣ? ਆਦ ਰੂਪ ਪੋਖਣ ਭਰਨੰਗ, ਆਦ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦਾ ਮੋਢੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਾਓ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪ ਬੜੇ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਥਾ ਵਾਚਕ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਵੀ ਦੱਸ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਚਾਦਰ ਵੇਹਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਿਹਾਰੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਦਰ ਮੈਲੀ ਤੇ ਸਾਬਣ ਥੋੜਾ, ਜਦ ਦੇਖਾਂ ਤਦ ਰੋਵਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਖਾਂ, ਚਾਦਰ ਮੈਲੀ ਤੇ ਸਾਬਣ ਥੋੜਾ, ਜਦ ਦੇਖਾਂ ਤਦ ਰੋਵਾਂ,
बहुते दाग लगे तन मेरे मैं केड़ा केड़ा तो ए दागा दी कोई कीमत नहीं सच कहना ए निम्रता लेनी ए दागा दी कोई कीमत नहीं क्यों कर हची होवा श्री साहेब मैनु दर्शन बख्शो मैं सच्चे साबन तो गुरु रामदास किन्ने पढ़ते पाते किन्ने साडे चौगन ने ते दास एक बेनती करदा एक अरदास समुची मानवता दी समुचे सिख जगत दी गुरु रामदास दे चरणा विच रोज हुंदी है। पहला जदो गुरमुख सवैये पढ़दे सिर्फ इकला पढ़दा बाकी नहीं बोलदे पर जदो शुरू कर देना हम अवगुण भरे एक गुणाई उदो समुची संगत बोलदी है। क्यों बोलदी है? क्योंकि वह सारे अपने अंदर की वेदना दस दिन गुरु रामदास साडा अंदर ऐसा है हम अवगुण भरे एक गुण नाही अमृत शाड़ बिखै बिखाई माया मोह भरम पै भूले सुत दारा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुन्यो गुरसंगत ते मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास रह खुश है। फिर बेनती जिनी तू सेव्या भाओ कर जिन्हें भावना नाल सेविया बड़िया की भावना पूरी हुई क्योंकि हर एक दी अंदर दी मंग दा वखरा वखरा लेवल है पड़ांक है जी। किसी की मंग है गुरु रामदास मैं ता मनू मेरे घर संतान हो जाए यदा मतलब यह थोड़ा गुरु रामदास केवल संतान ही देंदे क्योंकि तेरी मंग इन्नी है ना तेरा भांडा इन्ना तू कहना आ मेरा भांडा भर दे मैं ता मनू लोग कहेंदे केवल जे मैनू पदवी मिल जाए नौकरी मिल जाए पर नहीं गुरमुखो जिन्नी वड्डी किसे दी भावना होवेगी उन्नी वड्डी उहदी अंदर दात पै जाएगी। महाराज जी ने कहा भी कि सतगुरु सदा दयाल है भाई विण भागा क्या पाईए एक नदर कर देखे सब ऊपर जेहा पाओ जिन्नी तू सेव्या पाओ कर जेहा पाओ तेहा फल पाईए। सिंह साहब भाई साहब जी अमृत वेले की गल कर रहे सन मेरे मन च आया जदों ये नगर वस रहा है तो चूना मंडी भी सिंह साहब इस तरह ही इस तरह ही अगे निक्की जी गली निकलती है महाराज जी के घर अगे कपड़े की मार्केट है चूना मंडी जदों ये वस रहा है अजे रहायश नहीं सी बनी इन्नी संगत आ रही सन इस अस्थान से गुरमुखो चलो सुबह भी अर्ज करांगा गुरु नानक साहब के मुबारक चरण इत्थे पए ने जो हिस्टरी अमृतसर की महाराज जदों आए सुल्तान भिंडे ना जी इतों का सरदार सी चौधरी सी तारा जिमीदार ओदे बेटे का धमान सी पहला धमान करते होंगे सन पिंड जिहड़ी जल है ये ढाब उत्ते बारह महीने पानी खलोता रहिंदा सी निर्मल इत्थे संगड़े बेरियां दी जिहड़ियां झुंड सन महाराज ते भाई मरदाना जी इत्थे आए आए उदो जदो सुल्तानपुर तो चले सुल्तानपुर तो महाराज गोइंदवाल वाली जगह ते आए उदो गोइंदवाल नहीं ना बनिया इत्थे महाराज कीर्तन कीता ब्यास दे कंडे थां बड़ी रमणीक सी आप नूं पता होना कईआं देखिआ हुण तां ब्यास चला गया दूर पहलां तां बिल्कुल नेड़े सी गुरुद्वारे दे कीर्तन कीता जी रुख दे थले ते मरदाना कहिंदा सतगुरु थां बड़ी रमणीक है बड़ा अंदर टिकया हस के कहने चल मरदानिया हुक्मी दा हुक्म मनिए महापुरख आवेगा वस दी होवेगी ए शब्द कहे। उस तो बाद सतगुरु फतेहाबाद आए लंघ दे गुरु नानक साहब दा स्थान फिर दाता जी इत्थे आए इत्थे फिर जदों आए साधु संत इत्थे बहिंदे हुंदे सन इत्थे फिर जिमीदार तारा जिहड़ा है वह रस्त लैके आया प्रसाद पानी लैके आया ते सतगुरु कीर्तन कर रहे सन गुरु नानक साहब जी ते उन्हें प्रसाद पानी छकाया कुछ विद्वाना दा माते हजूर ने इत्थे देग तैयार की जदों इत्थे छकाया ते ओ सीधा पदरा बंदा कहिंदा बाबा जी इत्थे रुक जाओ कोई समा रुक जाओ बड़ा सोहना गाउंदे तुसी भजन पदे बड़े सोहने गाउंदे रुक जाओ। महाराज जी ने कहा सदा ली रुकांगा इत्थे भोग ते मोख दा प्रवाह चलेगा सदा ली रोक गए शब्द की है गुरु साहब सदीव खाली रोक गए पर एक गल होर सुनियो
कि गुरु की सदीवता नू केवल इस थां तक ही महदूद नहीं समझना, सदा लई टिक जांदा है। जेड़ा शब्द कमान लगदा गुरु नानक उहदे नाल ही टिक जांदा है। गुर मेरा संग सदा है नाले, सिमर सिमर इस सदा संभाले। सो सतगुर प्यारा मेरा नाल कै जिथे किथे मैनू लै छड़ाई। संगत बहुत ज्यादा ही हो सकता है, भाई साहब ने कोट की होवे घटना, ते सर्दी बड़ी ठंड बड़ी, तुसीं साह की तो जाणू, सिर्फ साह की तां हुंदी है भावना बन जा कोर। मालवे की धरती तो बाबा आदम आया, कुछ विद्वाना ने उदम लिखा आदम। परमात्मा ने भोए भांडा सब कुछ दिता पर घर संतान नहीं। किसी गया धुर माझे दे विच तीर्थ बनिया है, ते प्लीज इहदे अर्थ होर ना करियो। तीर्थ दा लफ्ज़ ही अर्थ हुंदा जिहड़ा पवित्र करन वाला है। इसे करके तीर्थ शब्द गुरु लई भी है, तीर्थ संगत लई भी है, तीर्थ नाम लई भी है। महाराज जी ने गुर समान तीर्थ नहीं कोई, तीर्थ नावण जाऊं तीर्थ नाम है। इत्थे दंपति आ गए, उम्र काफी लंघ चुकी सी, सिमरन सेवा करन लग पे, ते सेवा की करिए। उदो बालन दी लकड़ां दी जरूरत सी, जंगल सी चार चुफेरे, जाना लकड़ां वड के लियाउणियां, लंगर विच एक गट सट देनी, संगत करनी, ते दूजी जमा करी जानी। इस करके भी लोड़ पै जाएगी। सर्दी दी रात आई, बारिश पई, सर्दी दी रात सी बारिश पई, संगत बहुत आई पर रहायश दा इन्ना प्रबंध नहीं सी बस्तरां दा। उन्हें बाहर देखिया भी संगत है, सर्दी बड़ी है। उन्हें फिर जेड़ियां लकड़ां जमा कीतियां सन, ओ लकड़ां वक वक थावां ते संगतां रख के अग ला दित्ती, जिवें धूनी सेकने। गुरु रामदास रात नूं आप बाहर आए, ये नहीं महाराज विश्राम कर रहे, सतगुरु आए। देखदे थां पर थां लकड़ां बलदियां पईआं ने, उस निग दे विच कोई विश्राम कर रहा है, कोई सेक रहा है, कोई बाणी पढ़ रहा है। ते पुछया जी ए कौन लकड़ां किन्ने बालन, ते कहन लगे महाराज ए आदम, भाई आदम लैके आया। सतगुरु ने कहा निहाल हो गया, मैं तां बेनती कर लगा इस घर च भाव बना के आईए भावना। हजूर ने सुबह दरबार सजिया बुला लिया, इकला आया उस दिन संगत च, रात घर वाली भी नाल सेवा करदी रही, नहीं आई। महाराज ने कहा आदम बहुत तू रात निग दिता संगत नू, संगत विच गुरु वरतदा है, जो मंगेगा गुरु नानक दा बूआ तेरे लिए खुला, जो मंगेगा। स्वाद भी इहदे विच है कि गुरु आवाज मार के कहे दस तेनू चाहीदा की है, जो मंगेगा। वो थोड़ी जी सुरत बुद्धि दे तल ते आ गई, उम्र वेख ली, दाड़ा चिट्टा वेख्या, मन ने क्या मना जे संतान मंगी संगत च मजाक ना हो जाए, भी उम्र वेख तू मंग की रहे। कहिंदा नहीं सतगुरु सिखी दियो, नाम दियो, सेवा दियो। गुरु रामदास मुस्करा पे। वेखो ये हिस्टरी दियां इन्हां गल्लां नूं इग्नोर भी ना करिए ते चुठलाइए भी ना। अज सच्ची मुची मैं उदन क्या पहला मैं ज्यादातर साखी सुनानी करनी, ते कहने की जी साखी सुनाई जांदा है, जे प्रमाण देने कहना सहज पाठ ही करी जांदा है। वो कई बार बंदा सोचता हूं जाइए किथे, वो पिंडा च एक शब्द कहिंदा ढुकदा ते बीबी आटा गुंदी सी, वो मारन लग पिया, कहिंदा क्यों, कहिंदा आटा गुंदी हिलदी क्यों है, वो जिन्हें आटा गुनना वो हिलेगी तो सही ना बीबी। जिस बंदे ने तर्क करना प्यारे वो दिली सब कुछ भी सच ने। महाराज ने कहा मंग, कहिंदा सिखी नाम। हजूर जानदे ने कहन लगे नहीं तू घर जा सवेरे आई, फिर घर चला गया, निमो चूणा गया। हजूर ने जदो घर पहुंचया घर वाली पुछ दिया जी उदास जे क्यों, कहन लगे खुशी भी है ते उदासी भी है, सतगुरु ने साडी सेवा स्वीकार कर ली है। प्यारियो सेवा स्वीकार होदा तां भी शुकराना करिए, सेवा तो सारे कर दिया, प्रवान तो सब दी नहीं होंदी। स्वीकार हो गई खुशी है, उदासी तां है। कहिंदे सन जो मंगेगा
तेनू मिलेगा। ते कहन लगी तुसी संतान पुत्र ती मंगिया। वाहिगुरु जी जेडे पाठ कर दे चेते रखियो, जे सिख ने गुरु कोलो नहीं मंगना किदे कोल जाके मंगेगा। असी कह दिंदे जी ये मंगा ना गुरु, मैं कहना ये अवस्था है। जे बाहरों कही जाएगा मैनू नाम चाहिए, नाम चाहिए, अंदर वाली सुरत जाएगी, पैसा चाहिए, की बनूगी गल? जो कुछ है तू गुरु सामने अपना आप। कहन लगे तुसी मंगिया, कहन लगे मैनू शंगा आ गई, शर्म आ गई, संगत की कहेगी? कहिंदी संगा कादी? उन्हें आवाज मार के क्या कह लगे, कल दा फिर वक्त दे दिता है। कहिंदी कल मैं जाऊंगी। मां दी ममता हुंदी, दरबार सजिया, हजूर ने कहा आदम आओ कुछ मंगो। उस औरत ने दोनों अगे वधे, उन्हें कहा सतगुरु आए सां तेरे दर ते एक दुनियावी आस लेके संतान दी, पर गुरमुखो आप चो बहुत संगत बैठी होवेगी जिन्ना ने कदी लोड़ करके ते मत्था टेकिया होना है, उन्हां दी लोड़ फिर लगन बन जाती है। फरीद दी लोड़ शक्कर सी प्यारे, जदों बंदगी दा रस आया लोड़ लगन बन गई, उन्हें कहा छड़ शक्कर। ध्रुव दी लोड़ सी किस उद्दम ते राज मिले, छत्री ते शत्रु ते सब होवें मीता, वह लोड़ फिर लगन बन गई। मैं कहना उस लोड़ तो भी कुर्बान जाइए जेड़ी लोड़ सानू सदा बाणी नाल जोड़ जाए, वह लगन बन जाए। महाराज झोली अड के कहिंदी है लोड़ करके आए सां, लगन बना दित्ती साडे लई सेवा सिमरन सब कुछ है। कहिंदी है जे त्रुठ्यो ते झोली च संतान दी दात पाओ ते नाल सिखी दिओ। कल्ली संतान नहीं, सिंह साहब भी जानते हैं, सारिआं नूं पता है कि गुरु साहब ने कहा मेरा पुत्र तुहाडे घर जन्म लएगा, उहदा नाम भगतू रखना है। हिस्टरी है कि जन्म तो पहला साल बाद उहदा जन्म हुंदा है। हजूर कहिंदे ने उहदा नाम भगतू रखना है, उह साडा पुत्र होवेगा। सचमुच धन गुरु रामदास जी दी उह असीस नाल आदम दे घर भाई भगतू पैदा होया, जिन्हें गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोबिंद साहब, गुरु हर राय साहब तक प्यारे इथो तक भाई भगतू का चलाना करतारपुर होया सी। आ जलंधर तो अगे ना जिस वक्त संस्कार कर लगे उहदे बेटे मौजूद ने, पर चिखा नूं अग गुरु हर राय साहब ने लाई सी, उन्हें कह गुरु रामदास का बेटा है। ये साड़ी हिस्टरी है। मैं तेनों भावना नाल देखना, उन्हें भावना नाल जपया, उन्हें कहा मैनू सिखी। ते मैं पिछले दिन ही कहा कि उस घर च इन्नी कृपा हुई आ फतेह सिंह, चक फतेह सिंह वाला उस भगतू दी अंश विचों फिर फतेह सिंह होया, जिन्हें चप्पड़ चिड़ी दे मैदान दे विच वजीर खां नूं चीर के रख दिता सी। मेरे कहन तो मुराद भावना होवे। महाराज कहिंदे आ प्रेम भावना। मैं इस तुक ते थोड़ा जिहा रुक गया सां, भाख्या भाओ अपार भावना, जिन्नी तू सेविया पाओ कर, सुनिया मनिया मन कीता पाओ, अंतरगा तीर्थ मलना हो, भावना पैदा हो जाए। बेनती है जो सिंह भाई साहब कह रहे सन मैं उथी समाप्ति करांगा, भाख्या पाओ अपार, आख है मंग है, आखने मंगने कहने देहे देहे सानू दे, दात करे दातार, दाता दाता दिंदा है, दात करे दातार। अगे महाराज कहने फेर के अगे रखी है, दात तेरी तेरे अगे की रखा, फिर के अगे रखी है, जित दिस है दरबार, जिदे नल तेरे दरबार दे दर्शन हो जान, मोह के बोलन बोली है जित सिन तरे प्यार, केड़े बोल बोला। इथे भी एक बड़ी बड़ी रमज पा दिती जी, उल्टी गल है जित सुन धरे प्यार, ओ मेरे नाल प्यार किवें करे। इथे नहीं कहा मैं किवें प्यार करा, मुंह के बोलन बोलिए जित सुन धरे प्यार। एदे विच एडी वड्डी जात दे दित्ती कि मेरे वल्लों चलांगा, हो सकदा किते प्यार दी तंद विच
टोट ना आ जाए जिदन तू प्यार धरन लग पा तेरे प्यार ने कदी खत्म नहीं होना। इथे मंगया तू किवें करेगा, इथों ना कहा मैं किवें करा। महाराज कहिंदे प्यारियो जित सुन धरे प्यार, सुने ते मैनू प्यार करन लग पए। अगो फिर उत्तर दिता अमृत वेला सच ना गुरमुखो याद रखियो मैं भुला ना पूर्व दे, क्योंकि गुरबाणी च ज्यादा पूर्वले शब्द बहुत ने। पूर्व दे किसी भी लिटरेचर अमृत वेला शब्द नहीं, अमृत वेला शब्द गुरु नानक साहब का अपना बनाया हुआ शब्द है। अमृत भोजन है, अमृत नाम चलो वर्तने। अमृत वेला शब्द चल आगे शब्द सी, सुबह शब्द सी, उषा वेला कहिंदे सन, प्रभात कहिंदे सन, पर अमृत वेला शब्द केवल गुरु नानक साहब ने दिता। अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार। मैं आप नूं आरंभ चर्च की आलसी बंदा आप नहीं उठ सकता, वह फिर अर्थ बदलता है। अर्थ बदलदा कहिंदा अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार, जदों उहदे नाम की वड्याई की विचार की उदों अमृत वेला। इस तरह है ना जी, मैं कहना भी अपने आलस ना अर्थ ना बदलो, ये अरदास करो सानू जागना बख्श। अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार। इसे करके गुरु रामदास ने इस गल नू क्लीयर कर दिता कि भलके का अर्थ अठ बजे नहीं कढ़ना। गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भलके उठ हर नाम ध्यावे, उद्यम करे भलके। पहला क्या ना सो भलके उठ, हुण मेरे वर्गा आउंदे ने भलके उठदा 10 बजे कर देना सी कि 10 बजे उठ के। अगे गुरु ने भलके ना शब्द प्रभाती वरत्या, प्रभाती का अर्थ ही अमृत वेला आपां करा। उद्यम करे भलके पर अच्छा लागे का अर्थ की है, चा लागे उठ नाम जप, चा लागे का लफजी अर्थ दुपहरा नहीं, 8 बजे नहीं, लो लगन तो पहला दा वेला। लो ना ये चलागे दा अर्थ आप देखियो यही है। गुरु साहब कहिंदे ने अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार। एक बेनती होर, अमृत वेला जेड़े आप गुरसिखां नूं मिलदा, इत्थे ते कई कई दहाकियां तो अमृत वेले दीआं रहमतां माण रहे। गुरमुखो अमृत वेला सिर्फ उहनूं नसीब हुंदा जिहदे घर विच सदे मेरा गुरु नानक भेजदा है, दूजा नहीं उठ सकदा, नहीं उठ सवाल ही नहीं पैदा हुंदा। पहला तां जदों अमृत वेले उठीए उठदिआं सार शुकर दी अरदास थोड़ी जी जूर करनी है, दाता सदे भेजण वालिआ तेरा शुकराना। गुरु ग्रंथ साहिब विच इक वारी मर्ज कीती सी, शब्द हजारां ने सरलेख सिर्फ तीन ने शब्द, वह भी मारू राग च ने। एक तो हुंदा है जदों मारू राग शुरू हुंदा है जी, साजन तेरे चरण की होए रहा सतूर, इत्थे सिर्फ सलोक के महला पंजवां नाल नहीं, सिर्फ सलोक साजन तेरे चरण की होए रहा सतूर, नानक शरण तुहारिया पेखो सदा हजूर। उत्थे पहली बारी सरलेख हुंदा है शब्द ससा बब्बा ते दद्दा, ये हैडिंग रूप च हुंदा है, उदू पहला किते नहीं आया। वो शब्द है पिछो राती सदड़ा नाम खसम काले। हुण इहदे अर्थ केड़ा करूगा जी, पिछो राती सदड़ा, पिछे रात का अर्थ अमृत वेली बनना, सदड़ा सदे पैंदे आ। ते इहदे अर्थ दास ने एक दिन किते सन, दुनियावी जे अर्थ ने पर समझण वास्ते। साढ़े पिंडां विच अज नहीं पहला सी, जदों किसी घर च शादी हुंदी सी मैं सिर्फ सदे दे अर्थ ते वो लोकी दुनियावी जी रस्म अपनी निभांदे सन, बीबियां दे गाउण दी, अजकल वाली नहीं है। ते नैन की करदी सी लागण, कम करन वाली बीबी उहनू बजुर्ग बीबी कहिंदी सी, पिंड विच फलाने फलाने घर सद्दा दे आ, उहनां नाल साडी वर्तन भाजी, शाम नूं बीबियां कट्ठियां हो जाणा बहना। ते एक गवांढन जिहदा घर कंध सांझी है उहदे घर सद्दा नहीं दित्ता, आवाज़ उहदे घर जांदी रही गाउण दी पर उह आई नहीं। जे सवेरे पुछिआ भी तू क्यों नहीं आई, सारा पिंड आया, उह कहिंदी मेरा घर किहड़ा सद्दा गिआ सी। गुरमुखो चेते रखियो गुरु नानक दे जिहदे घर सद्दे आउंदे ने अमृत वेले अभ्यास भी उही करदा है।
बिना सदे तो इनू सदे च ले गए पिछों राती सदना नाम खसम का ले खेमे शतर सराइचे आ कुछ मिलेगा मृत वेले तेरे लिए सोने चंदोवे तेरे लिए शतर तेरे लिए कनाता तेरे वास्ते रथ बीड़े हो मिलेंगे उत्थे शब्द पीड़े है पिछों राती सदड़ा नाम खसम काले खेमे शतर सराइचे दिसन रथ पीड़े जिन्नी तेरा नाम ते आया तिनको सद एते सद दे दद्दे नूं सियारी है एदा अर्थ ओ नहीं सदड़ा उत्थे सदड़ा दा अर्थ है रब दे सदे एते सदे नूं सियारी ला के महाराज कहिंदे आ कि खेमे शतर सराइचे दिसन रथ पीड़े जिन्नी तेरा नाम ते आया तिन को सद मिले ए दाता तू उन्हां नूं सद के आवाजा मार के देना जेडे अमृत वेले उठ के खुदा दी रब दी परमात्मा दी इबादत विच जुड़दे आ धन गुरु रामदास जी ने सिख दे रूहानी जीवन दी गल करदे आ ए बख्शिश कीती उह श्लोक आप सब ने पढ़िया भी भाई साहब सुना भी रहे सन कि गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भलके उठ हर नाम त्यावै उद्यम करे भलके प्रभाती इशनान करे अमृत सरनावै उपदेश गुरु हर हर जप जापै सब किलविक पाप दोख लह जावै फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावै दिन चढ़े बाणी गाए फिर चढ़े दिवस गुरु गुरबाणी गावै बहिंदियां उठदियां बहुत बख्शिश कीती इहदे विच वी बहिंदियां उठदियां कई बार हुंदा ना जी जग्यासु जो चलता है कि मैं लेट के नाम जाप सकना उंज ते वाहिगुरु तरस करे जिदे कोल स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा मध्य अंत प्रभ जापन जे शरीर तंदुरुस्त चौंकड़ा मारो जरूर जपो जे नहीं मान लो खे दे शरीर नूं कुर्सी ते बह के भी नाम जपया जा सकता है खिमा करो लम्मे उठत बैठत सोवत नाम कौ नानक जानकै सदकाम बहिंदियां उठदियां इहनूं श्रीमान भाई वीर सिंह कहिंदे सन विथ भरनी विथां भरनियां बहिंदियां उठदियां कहिंदे मन लो तू दुकान ते बैठा है ते तेरे कोल ग्राहक कोई नहीं आया इकला बैठा है ग्राहक ते तेरे दरम्यान एक टाइम दी विथ है इस विथ नूं मूल मंत्र नाल भर लै घरों चलें सफर ते ते जिथे तू पहुंचना एक घंटा लगना है उस मंजिल ते तेरे चलन दे विच एक घंटे दी विथ नाम नाल भर दे कहिंदे ने मिंट मिंट दीआं विथां भरदियां सारी जिंदगी नाम नाल भरी जाएगी महाराज कहिंदे बहिंदियां उठदियां हर नाम त्यावै जो सांस गिरास त्याए मेरा हर हर सो गुरसिख गुरु मन भावै जिसनू दयाल होवै मेरा स्वामी तिस गुरसिख गुरु फिर सुनियो ये जिदे ते दयालु हुंदा उन्हां नूं सुनांदा भी अमृत वेले उठो ये भी तां भावना है ना जिसनू दयाल होवै मेरा स्वामी तिस गुरसिख गुरु उपदेश सुनावै जन नानक धूड़ मंगै तिस गुरसिख की गुरमुखो आपां भाई साहिब नूं तकरीबन मैं दो सिंघां नूं एक ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीर नूं भावें असीं अगे पिछे भी कथा करन आउंदे पर मैं कहिंदा उन्हां नूं जरूर याद करना दूसरा भाई साहब भाई जसबीर सिंह जी उन्होंने बड़ा हुलारा दिता अमृत वेले का तुहाडे विच आप संगी बैठे हो जिन्हां संगत की कहड़े राग जानते साइड वाली बाजा बजा रहा ना नहीं प्यारे जो शब्द का अंदर प्रकाश हो जाए उदो साज भी पिछे रह जाते रसना ही साज बन जाती है ये उसकी मेहर होंगी है जिसनू दयाल होवै मेरा स्वामी तिस गुरसिख गुरु उपदेश सुनावै जन नानक धूड़ मंगै तिस गुरसिख की हे गुरु रामदास एडी निर्माणता इथों तक गुरु रामदास तां इथों तक वचन कर रहा मैनू ओहदे चरणा की धूड़ मिल जाए केड़ा जो आप जपै अवर नाम जपावे इत्थे वी कोई दो चीजा ने पहली गल आप जपै अपना निजी जीवन कह अवरै जपावै जेड़ा मिली हुई दात नूं वंडदा है जो आप जपै अवरै नाम जपावै धन गुरु रामदास सच्चा पातशाह कृपा करे सानू सब नूं सुमत बख्शे
बस इको ही दात मंगनी है दाता। मैनू याद है महाराज जरा पाठ करने है, हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड़ वड़ा है। अज जो सवेरे सतगुरां दा प्रकाश हो रहा, मैं सुबह भी कहा मेरे मन च सी कि महाराज सारी बाणी इको है, गुरु नानक साहब जी दे हुकम आए, गुरु अर्जन साहब दे आए, अज तुहाडी बाणी चो बख्शिश हो जाए। तो महाराज ने सवेरे सारे अपने प्यार दा जिहड़ा शब्द सी ते मेरे मन सवेरे आया, गुरु साहब कहिंदे ने हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे, असी गरीब हाँ, असी आजज मस्कीन हाँ, हर राख राख वड वड़ा है, सानू वड़िया तू रख ले। आपा भी अज अरदास करनी है, एक असी गुरु रामदास लई वरती, असी गरीब हाँ, असी मस्कीन हाँ, तू सब तो वड़ा है, सानू रख ले। इनिया को बेनतियां प्रवान करियो। आप सब दा बहुत बहुत धन्यवाद जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह।